देवास में सोयाबीन से लदा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर डंपर को टक्कर मारते हुए मारुति वैन पर जा गिरा। इसमें वैन में सवार दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। कन्नौज के मंडी मार्ग बाईपास के पास सोयाबीन से लदे हुए ट्रक की कमानी पट्टा टूटने के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। कमानी पट्टा टूटते ही ट्रक अनियंत्रित होकर डंपर को टक्कर मारता हुआ मारुति वैन पर जा गिरा। हादसे में नीमखेड़ निवासी अफजल, कन्नौज निवासी सैफ अली की घटना स्थल पर ही मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया जिसका इलाज चल रहा है। ट्रक पलट गया, उसके नीचे गाड़ी दब गई है, कार दब गई है, उसमें लोग दबे हैं। सूचना पर जब हमने यहाँ देखा तो एक डंपर खड़ा था और ट्रक, ऐसा बताया कि ट्रक मारुति के ऊपर पलट गया। तब उसको जो ठेले वगैरह थे उसको हटाकर पब्लिक के सहयोग से निकाला गया तो उसके अंदर गाड़ी के अंदर दबे हुए दो लोग निकले थे जिन्हें अस्पताल भेजा गया था, जहाँ उन्हें ब्लड निश्चित कर दिया गया और गाड़ी के ड्राइवर वगैरह थे उनको ज़्यादा चोट वगैरह नहीं लगी। बाकी तीन लोग घायल होने की जानकारी मिली थी जिसमें दो थे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।